Yeah, dengue, because see, in medical terminology we say dengue, and in layman's language we say it is a dengue fever. We all know ki dengue hai kya basically. It is just a mosquito borne infection, viral infection, jo ek mosquito Aedes aegypti we know, uske काटने से होता है patients को. And it is a topical infection generally, jo the most important thing is, like in our country we see starting from the August till October, November, ये ज्यादा देखने को मिलता है. Thing is that चैलेंजिंग क्यों है, द फर्स्ट थिंग यू आस्क कि इससे हमें डरना क्यों नहीं चाहिए. बिकॉज नाउ डेज वी नो कि डेंगू से पेशेंट इतने ज्यादा घबराते हैं कि किसी को अगर डेंगू फीवर हो गया तो दे फील दैट दे माइट गेट द लो प्लेटलेट काउंट और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा या पता नहीं वॉट एवर दे फील कि क्या क्या हो सकता है. तो सेइंग दैट इससे डरने की जरूरत नहीं है मीन्स दैट इफ वी टॉक अबाउट एवरी 4 पेशेंट्स ऑफ डेंगू, तो हर 4 पेशेंट्स के पीछे हम देखते हैं कि एक पेशेंट जो है दैट गेट्स सम सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू. अदरवाइज ऑलमोस्ट थ्री आउट ऑफ 4 पेशेंट्स दे आर हैविंग द सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, मतलब अपने आप वो कुछ 5 से 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर वो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं विद स्लाइट सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस. तो डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर पेशेंट के अंदर जो इसकी सीवियरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम बोलें कि जिसको भी डेंगू होगा तो वो हर पेशेंट है वो क्रिटिकल हो जाएगा या उस पेशेंट के सेल्स कम हो जाएंगे या उस पेशेंट को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी. ओके थैंक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेशेंट शुड फियर फ्रॉम डेंगू एंड व्हाई व्हाई इट इज सो. सी आई टोल्ड यू कि किस पेशेंट को डरना नहीं चाहिए, किसी को भी डरना नहीं चाहिए, बट ऐसे आर सम स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पेशेंट. फर्स्ट वी कंसीडर द पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी एक बार डेंगू हो चुका है, दीज पेशेंट्स आर एट वेरी हाई रिस्क ग्रुप. और अगर उनको दोबारा डेंगू फीवर होता है तो उनके चांसेस होते हैं कि उनको सिवियर टाइप ऑफ डेंगू होगा रेदर देन द माइल्ड टू मॉडरेट वन. सेकेंड कैटेगरी हम देखते हैं जिसके अंदर द किड्स हु आर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं, अगर उसके अंदर डेंगू फीवर होता है तो दैट इज वेरी हाई लाइकली विल लीड टू द हेमरेजिक और टू द शॉक सिंड्रोम ऑल्सो. थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनको ऑलरेडी पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट एंड देन दे गेट द डेंगू इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दे आर एट वेरी हाई रिस्क ग्रुप. अदर देन दैट एनी पेशेंट हु इज अ पेशेंट ऑफ हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, अगर उस पेशेंट को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसके अंदर भी इसकी सीवियरिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल. बट अदर देन दैट आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट एवरी 4 पेशेंट्स हु आर बीइंग डायग्नोस्ड विद डेंगू, उसमें से 3 पेशेंट है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज के होते हैं जो अपने आप रिकवर हो जाते हैं विद इन 5 to 7 days. आउट ऑफ दैट 1 पेशेंट मे लीड टू सिवियर डेंगू. और अगर ओवरऑल हम बात करें तो आफ्टर एवरी 20 पेशेंट्स ऑफ डेंगू ओनली 1 पेशेंट लैंड्स इनटू द शॉक सिंड्रोम. तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है, बट यस वी शुड बी अवेयर अबाउट इट. आज का सेशन हमारा इसीलिए हमने रखा है बिकॉज नाउ डेज डेंगू पेशेंट्स आर ऑन इंक्रीज एंड देयर इज अ वेरी हाई पीक इन द पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया. तो इसलिए हम पेशेंट्स को अगर अवेयरनेस होगी कि किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है, किस हिसाब से पेशेंट्स को किस टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, देन दे माइट बी गेटिंग अ वेरी गुड रिकवरी रेट. So, what are the common symptoms of dengue fever? I mean, how can we identify that the person is suffering from dengue or not? Yeah, common symptoms generally, it is just like a normal fever. We see the viral fever. Flu-like symptoms can also be there. Patient ko halka sa jukam, halki si khansi hona. Other than that, the most important is the high-grade fever with the rigors and chills. डेंगू फीवर के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को बुखार होगा, वो भी ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होगा 102-103. उसके साथ पेशेंट को कंपन वाली जो ठंड लगेगी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो जैसे हम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं. तो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम इज हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स. उसके अलावा रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो हम कहते हैं कि पेशेंट कहता है कि आंखों के पीछे वाली साइड पे मुझे पेन फील हो रहा है या हैवीनेस फील हो रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक सिम्टम फॉर द डेंगू पेशेंट्स. अदर देन दैट जनरली वी सी द बोन पेन्स, द मस्कुलर पेन्स, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट इन डेंगू पेशेंट्स. पूरी शरीर की हड्डियों में पेन होना और पूरी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाना. अदर देन दैट कैन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑल्सो इन सम केसेस. डायरिया भी होता है कई पेशेंट्स के अंदर. सो दीज आर द वेरी रेगुलर सिम्टम्स दैट वी सी इन ऑलमोस्ट ऑल वायरल इन्फेक्शन. बट अदर देन दैट द स्पेसिफिक वंस आर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रैशेज. अगर रेड रैशेज पेशेंट को फीवर के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ रेड रैशेज होते हैं स्किन के ऊपर, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड पैथोग्नोमिक सिम्टम फॉर द डेंगू फीवर. So, are there any types of dengue fever? Can we classify them? Types as such, if we talk about the serological types, yes, we have
डेंगू डीएस एंड 1, 2, 3 and 4, दीज आर द सीरोलॉजिकल टाइप्स. बट अगर हम बात करें तो सिम्टोमेटोलॉजी इज ऑलमोस्ट सेम, बट सीरो पॉजिटिवली अगर हम बात करते हैं सीरो पॉजिटिविटी की, तो उसके बिहाफ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस वायरस को 4 forms में 1, 2, 3 and 4. अदरवाइज सिम्टम्स सेम रहेंगे, बट जनरली वी सी द मोस्ट कॉमन इज द NS1. So, is it possible to have lifelong immunity of dengue after first infection? Yeah, very important question, because कुछ patients को ये लगता है कि अगर मुझे एक बार ही डेंगू हो गया तो लाइफ में दोबारा डेंगू नहीं होगा. This is true, but this is true for a one सीरो पॉजिटिव टाइप that I told you. अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम पे NS1 एंटीजन जो पॉजिटिव आया उस टाइम पे, उसको दोबारा से वो वाला एंटीजन नहीं कैच करेगा, बिकॉज द पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग द एंटीबॉडीज फॉर दैट. बट वी हैव द 4 सीरो टाइप फॉर द डेंगू. दैट मीन्स किसी पेशेंट को एक बार डेंगू हुआ है तो उसको दोबारा भी डेंगू हो सकता है दूसरी टाइप का. तो सेइंग दैट कि अगर एक बार ही हो गया तो दोबारा नहीं होगा, दिस इज नॉट, बिकॉज क्रॉस बैरियर जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी, वो डेवलप नहीं होती इसके अंदर. So why patients go in dengue shock syndrome? Is there any specific reason for that? Dengue shock syndrome, see, I told you ki har 4 patients ke piche jo 3 patients hai wo self limiting disease ke hote, means unko within 5 to 7 days body apne aap usko recover kar leti hai aur wo zyada severe type of dengue mein nahi jaate. But what about those patients jinka we can say one thing ki unki kuch already immunocompromised situation thi. One thing like the 3 other risk factors I told you, it can be the pregnant females, it can be the infants less than 1 year of age, and third one I told you jisko already ek bari dengue fever ho chuka hai that person. To un patients ke andar kai bari hum kya dekhte hain ki wo patient ki jo dengue ki severity hai wo itni zyada ho jati hai ki after a certain period of time patient ka jo platelet count fall karna shuru kar jata hai, and that happens due to different factors we know. As a doctor I can tell you, but layman ko ye cheez shayad samajh nahi aayegi, but the doctors who are listening they can understand, because the platelets are the part of the immune system, they are part of the innate immune system. So immune activation hone ke baad jo hamare platelets hai they start doing the mitochondrial dysfunction, uski wajah se cytokines release hote hain, and that causes the peripheral sequestration of the platelets, jis wajah se patient ke andar platelets tootne shuru ho jate hain, aur platelets ki jo number of platelets and the sufficiency or capability of the platelet that also decreases and declines. So that causes the severe form of the dengue, jis wajah se hum dekhte hain ki vascular leakage start ho jati hai patient ke andar, that leads to the severe form of dengue jisko hum dengue hemorrhagic syndrome bolte hain, jisse patient ko kisi tarah ki internal bleeding ya external bleeding shuru ho sakti hai. Other than that, if it goes into the shock syndrome, that patient can also have a very severe form of the multi organ failure, or the patient might land to the fatal situation also. So that is a very severe form of dengue. And un cases mein generally hum dekhte hain jahan pe ya to patient ka mismanagement hua hai most of the time, ya patient is already having some comorbidity jiski wajah se uska jo ye situation develop hota hai. I think that was a very important point which you just highlighted just now. So my next question is, what test we need to confirm the dengue? Test generally, like if we talk about the incubation period of the dengue fever, we know that after having the mosquito bite, 2 to 14 days is the incubation period. So patient ko immediately symptoms develop nahi hote hain. Mosquito bite hone ke baad hafta 10 din lag sakte hain symptom develop hone ke andar. Other thing is ki test kab karwana. Generally hum dekhte hain ki fever hua tha, immediately the same day the patient goes for the test. So sometimes in the first initial days we see that CBC agar patient karwa leta hai, complete blood count, this is the very simplest form of test, to uske andar platelet counts are normal, the lymphocytes are normal, the WBCs are normal, to usme lagta hai ki the patient is stable. But yes, the test that we require to do, one is the serological test for the dengue virus, jisse hame pata lagta hai ki dengue fever positive aaya hai ya negative aaya aur kaun si type aaya, right. Second is the complete blood count. Complete blood count ke andar hum dekhte hain patient ka प्लेटलेट काउंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो पेशेंट का WBC काउंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या पेशेंट के लिम्फोसाइट्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं दैट विच पेशेंट गोज इन टू द माइल्ड फॉर्म ऑफ डेंगू और विच पेशेंट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू. अदर देन दैट, इन केसेज ऑफ सीवियर डेंगू वी नीड टू गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अगर हमें किसी तरह से सस्पेक्टेड केस लग रहा है दैट हैज गोन इन टू द डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम और इन टू द शॉक सिंड्रोम, तो उन पेशेंट्स में हम
बाकी ऑर्गन्स को चेक करते हैं लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट टू असेस द लीवर एंजाइम्स टू सी दैट SGOT, SGPT ये तो नहीं बढ़े हुए पेशेंट के. अदर देन दैट वी गो फॉर द रीनल फंक्शन टेस्ट ऑफ द पेशेंट, जिसके अंदर पेशेंट का जो रीनल फंक्शनिंग है उसको इवेल्युएट किया जाता है. अदर देन दैट यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी अदर स्पेसिफिक टेस्ट इन द डेंगू फीवर. So what are the consequences that we can expect in severe dengue cases? Consequences, as I told you, कि अगर पेशेंट का जो डेंगू फीवर है वो सीवियर हो जाता है, बिकॉज मेनी केसेज आर माइल्ड टू मॉडरेट, बट अगर किसी वजह के कारण पेशेंट का जो डेंगू है दैट गोज इन टू द सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू, दैट लाइक आई टोल्ड यू दैट इज अ डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम. तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसिस क्या आ सकते हैं. फर्स्ट आई टोल्ड यू कि उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. वाई ब्लीडिंग? बिकॉज अगर प्लेटलेट काउंट कम्स टू द लो टू द मार्जिन, तो उस वजह से ब्लीडिंग, दैट कैन बी इंटरनल ब्लीडिंग ऑल्सो, दैट कैन बी एक्सटर्नल ब्लीडिंग ऑल्सो. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस, कि हर पेशेंट जिसका प्लेटलेट काउंट फॉल करेगा उसके अंदर ब्लीडिंग होगी ये जरूरी नहीं है. दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल कि अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 हो गया तो इमीडिएटली पेशेंट को ऐसे लेके हॉस्पिटल भाग जाओ, उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. ऐसा नहीं होता कभी भी. ब्लीडिंग होने के लिए भी कुछ रीजंस होने चाहिए दैट इट लीड्स टू द ब्लीडिंग. अदर देन दैट इफ पेशेंट गोज इन टू द सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू, तो उसके प्लेटलेट काउंट फॉल होने के बाद वी सी देयर इज अ वेस्कुलर लीकेज. वेस्कुलर लीकेज की वजह से उसके चेस्ट में पानी भरना शुरू हो सकता है, पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो सकता है. इट कैन लीड टू द मल्टी ऑर्गन फेलियर ऑल्सो. लीवर पे इम्पैक्ट आ सकता है, पेशेंट का किडनी फेलियर हो सकता है, मोस्ट कॉमनली दैट वी सी इन टू द सिवियर फॉर्म ऑफ केसेस. सो ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसिस कैन अल्टीमेटली लीड टू द मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड अल्टीमेटली द पेशेंट कैन कोलैप्स ड्यू टू द दिस सर्कुलेटरी incapability of the system. So that can also happen, but that happens only in one patient out of 20 who are being diagnosed with dengue. और वो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि that can be managed very easily in the early stages if we are able to find out the situation of the patient. कई बार patients क्या करते हैं, घर पे कुछ treatment लेना शुरू कर दिया या कुछ medicines लेनी शुरू कर दी, right? And one more important thing, non-steroidal anti-inflammatory drugs in allopathic system that they prescribe for fever, they are strictly prohibited. वो पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन अवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अगर प्रूफन इज अ टैबलेट, कई बार पेशेंट कॉम्बिफ्लेम की जो टैबलेट है वो लेना शुरू कर देता है फीवर की इनिशियल डेज में. सो प्रूफन हैज शोन कि उसकी वजह से जो प्लेटलेट का टूटना, द पेरिफेरल सिक्वेस्ट्रेशन, दैट इज वेरी हाई लाइकली. तो वो कई बार जल्दी एडवांस स्टेज में आ जाता है, तो उस तरह की मेडिसिन पेशेंट्स को विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ एनी डॉक्टर इन योर विसिनिटी इट शुड नॉट बी टेकन. So, how to stage or assess dengue hemorrhagic fever? Yeah, dengue hemorrhagic fever generally we assess depending upon the platelet count plus uske kya kya consequences are. Generally we consider it is of the stages grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. Dengue hemorrhagic fever grade 1 mein agar hum dekhte hain, so what happens in that patient that there will be thrombocytopenia, platelet count kam hona shuru ho jayega patient ka, plus there will be the hemo concentration. Hematocrit, that is the HCT value of CBC, that will be increased. That we call the hemoconcentration. तो अगर grade 2 की बात करें तो grade 2 के अंदर हम देखते हैं कि patient को spontaneous bleeding start हो जाएगी along with the grade 1 this parameters. Means thrombocytopenia will be there, hemoconcentration will be there. Along with that, the patient will develop the spontaneous bleeding. Spontaneous bleeding means patient को नाक से खून आना शुरू हो जाना, या patient को लिप्स के ऊपर से खून आना शुरू हो जाना, माउथ ओरल म्यूकोजा से खून आना शुरू हो जाना, या बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई कट लगा हुआ है या कोई आईवी ड्रिप्स लगी है तो वहां से खून ब्लीडिंग शुरू हो जाना. दीज थिंग्स कैन बी सीन इन टू द ग्रेड 3. नाउ कम्स टू द ग्रेड सॉरी इन टू ग्रेड 2. नाउ वी कम टू द ग्रेड 3. ग्रेड 3 के अंदर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के सारे पैरामीटर्स होंगे. अलोंग विद दैट देयर विल बी द सर्कुलेटरी इनसफिशियंस. नाउ द बॉडी इज नॉट एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस, जिस वजह से आगे जाके पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, पेशेंट की इम्परसेप्टिबल पल्स वी कैन सी, पल्स वीक होनी शुरू हो जाएगी, इट विल बी ऑफ लो वॉल्यूम, एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट कैन लैंड इनटू द शॉक. एंड वी हैव सीन जो पेशेंट ग्रेड 4 के पेशेंट्स होते हैं दे अल्टीमेटली गो इनटू द मल्टी ऑर्गन फेलियर. सो दिस इज हाउ वी क्लिनिकली असेस द पेशेंट्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर. सो व्हाट इज डेंगू शॉक सिंड्रोम? डेंगू शॉक सिंड्रोम दैट आई टोल्ड यू राइट नाउ कि अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर प्रोसीड्स टू ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट के अंदर वेस्कुलर लीकेज की वजह से ऑल द
कैविटीज विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द फ्लूड, उस वजह से बॉडी की जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी सफिशियंसी पे इम्पैक्ट आता है, प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी फॉल कर चुके हैं पेशेंट के, प्लस देयर विल बी द स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी विल बी देयर एंड दैट लीड्स टू द इम्पैक्ट ऑन द हार्ट। शॉक किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, सर्कुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर हार्ट उसको पूरा नहीं कर पा रहा, दैट इज वॉट वी कॉल द शॉक। तो इन शॉक वॉट वी सी द पेशेंट विल बी हैविंग इम्परसेप्टिबल पल्स एंड इट कैन लीड टू द वेरी लो बीपी एंड समटाइम्स वी सी द पेशेंट्स कोलैप्स एट द शॉक स्टेज। सो दिस इज वॉट वी कॉल द डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम। So, how can we manage these type of cases? What can be the treatment options? Which patient needs hospitalizations actually? या वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि किस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ पैनिक लाइक सिचुएशन एंड यू नो दैट जब डेंगू पीक पे, राइट नाउ वी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन बिकॉज ड्यू टू द पब्लिक अवेयरनेस एंड पेशेंट्स और लोगों ने खुद कुछ प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी हैं, तो उन चीजों को लेके हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस अब कंपेरेटिवली फेटेलिटी रेशियो इज राइट नाउ वेरी लो एज कम्पेयर टू 3 or 4 years बैक। बट किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज जाने की जरूरत है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और ये पेशेंट्स को खुद को पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होना है। इफ द पेशेंट्स फीवर इज नॉट गेटिंग डाउन, वन थिंग हाई ग्रेड फीवर है और वो कंटिन्यूस फीवर है और वो कम नहीं हो रहा है, बिकॉज इन डेंगू फीवर वी सी दैट आफ्टर 4 to 5 days फीवर पेशेंट का कम होता है एंड आफ्टर दैट द थ्रोम्बोसाइट द प्लेटलेट काउंट दिस स्टार्ट्स फॉलिंग। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि अभी मेरा फीवर उतर गया है सो राइट नाउ आई एम फाइन, बट उसके बाद एग्जैक्टली द हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम शुरू होता है। सो मॉनिटरिंग शुड बी वेरी केयरफुल। अदर देन दैट इफ द फीवर इज कंटिन्यूज एंड इज नॉट गेटिंग बेटर विद ओटीसी ड्रग्स, उसके अलावा अगर पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अदर देन दैट इफ एनी साइंस ऑफ ब्लीडिंग आर देयर अंडर स्किन, इफ दे हैव द पेटिकियल हेमरेजेस, पेशेंट को लग रहा है कि बॉडी के अंदर उनके ऊपर स्किन के ऊपर कोई स्पॉट्स बन रहे हैं ड्यू टू द ब्लीडिंग इन अंडर द स्किन, तो इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर। अदर देन दैट इज इफ द पेशेंट इज हैविंग लो ब्लड प्रेशर, लाइक आई टोल्ड यू दैट लो ब्लड प्रेशर एंड इम्परसेप्टिबल पल्स प्लस टैकीकार्डिया, हाई पल्स रेट, इम्परसेप्टिबल पल्स और लो वॉल्यूम पल्स प्लस लो ब्लड प्रेशर, ये चीजें अगर घर पे पेशेंट को लग रहा है कि मेरा बीपी फॉल करना शुरू कर रहा है और आई एम नॉट एबल टू ईट बाय माउथ, खाना पेशेंट नहीं खा पा रहा है या उसको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है या उसको डायरिया ज्यादा हो रहा है, तो इन इन सिचुएशन में दीज पेशेंट्स माइट नीड सम पेरेंटल न्यूट्रिशन, आईवी फ्लूड देना पड़ सकता है उन पेशेंट्स को, बिकॉज जनरली वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट एट वेरी अर्ली स्टेज। अगर आपको डे टू या डे थ्री में पता लगता है कि पेशेंट को डेंगू डायग्नोज हो चुका है, देन इमीडिएटली इफ यू स्टार्ट गिविंग द मेडिकेशन फॉर दैट पर्पज सो दैट द पेशेंट शुड नॉट लैंड इन टू द हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम। तो उस पेशेंट को अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स और साइंस विजिबल होते हैं तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली दे नीड टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू आस्क मी, हाउ टू मैनेज दीज पेशेंट्स। इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द कन्वेंशनल सिस्टम, हमें पता है कि इन एलोपैथिक सिस्टम देर इज नो मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर टिल नाउ, राइट। उन लोगों के पास व्हाट दे कैन डू, दे कैन गिव द आईवी फ्लूइड टू द पेशेंट, दे कैन ट्रांसफ्यूज द प्लेटलेट्स इफ इट इज रिक्वायर्ड और इंडिकेटेड इन द पेशेंट। अदर देन दैट ये गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लाइक अगर फीवर हो रहा है तो फीवर की मेडिसिन दे दो, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की मेडिसिन है, डायरिया है तो डायरिया की मेडिसिन। बट इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द होम्योपैथिक सिस्टम, वी ऑल नो दैट इन होम्योपैथिक वी हैव वेरी स्पेसिफिक एंड वेल प्रूवन मेडिसिन विच हैव स्पेसिफिक सीट ऑफ एक्शन ऑन द डेंगू फीवर। यूपेटोरियम परपोरेटम इज देयर, आर्सेनिकम एल्बम इज देयर, टीरोस्पोरा इज देयर, प्रोटेलस ओरिडस इज देयर, जेल्सीमियम इज देयर, ऑल दीज मेडिसिन आर वेरी वेल प्रूवन एंड वेरी वेल क्लिनिकली वेरीफाइड मेडिसिन जो पेशेंट्स को शॉक सिंड्रोम से भी निकाल के इन मेनी केसेज वी हैव सीन वापस लेके आती है। सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर दैट इन विच केस यू नीड टू हॉस्पिटलाइज अ पेशेंट। अगर पेशेंट को इन केयरफुल ऑब्जर्वेशन इन होम मॉनिटरिंग यू कैन मैनेज देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपको लग रहा है दैट दिस पेशेंट नीड सम पेरेंटल न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद सम ट्रांसफ्यूजन ऑफ द प्लेटलेट्स, तो उस केस में उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना इज अ मैंडेटरी सिचुएशन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी, व्हाट मेडिसिंस कैन वी यूज इन डेंगू? रोल ऑफ होम्योपैथी डिपेंड्स अपॉन द स्टेज व्हेन द पेशेंट केम टू यू। अगर पेशेंट आपके पास बड़ी इनिशियल स्टेज में आ रहा है व्हेन द सीबीसी पैरामीटर्स आर नॉर्मल, द पेशेंट इज फिट एंड फाइन, सो यू कैन सिंपली यूज द मेडिसिंस लाइक यूपेटोरियम और जेल्सीमियम और आर्सेनिकम एल्बम, राइट। बट अगर पेशेंट आपके पास उस स्टेज में आ रहा है व्हेन द प्लेटलेट काउंट्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग, and generally this happens, I have to say this in today's session, that patients generally visit the
होम्योपैथिक फिजिशियन व्हेन द प्लेटलेट्स आर नॉट गेटिंग द रिबाउंड्स, तो उस केस में व्हेन द प्लेटलेट्स आर 30,000 और 25,000 और 20,000, यू नीड टू हैव सम टाइम टू रीगेन द दिस इम्यून सिस्टम और वाइटल कैपेबिलिटी. सो उस हिसाब से अगर पेशेंट्स 1 लाख प्लेटलेट काउंट पे हमारे पास आ रहा है तो मेडिसिन आर डिफरेंट. लाइक आई टोल्ड यू, पेटोरियम कैन बी गिवन, दिस आर्सेनिकम एल्बम कैन बी गिवन, जेल्सीमियम इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दोज पेशेंट्स. बट इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू विद अ प्लेटलेट काउंट ऑफ 20,000, 25,000 और 30,000 अलॉन्ग विद सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम, तो उस पेशेंट को आपको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ मैनेज करना होगा. लाइक वी हैव अ क्रोटेलस ओरिटस, वेरी वंडरफुल मेडिसिन विच कैन इंड्यूस द दिस प्लेटलेट दिस formation in the bone marrow, because we know this is a different topic, but I have to tell that this medicine has a very good capability jisse platelet counts badh jate hain within few hours. Second medicine is a tinospora. Tinospora generally we give to the patient jahan pe hame lag raha hai ki platelets are falling very fast and we need to pick up it very early phase, to us patient mein aap dete ho tinospora along with the yupatorium along with the crotalus oritus. And if the patient lands into some multi-organ failure, अगर आपको लग रहा है कि patient multi-organ failure में like it is a renal failure, so there are some other medicines for that, and that is a very critical situation. तो उसके लिए आपको patient को opium, you can give helleborus, you can give arsenic is also possible to be prescribed in that case. Other than that, you have some medicines like we have eupatorium in high doses can also be given in those cases. Eposinam can be given for the liver ailment in if patient lands into the liver failure. Other than that, you have the serum anguil for the patients who land into the renal failure. Antimonium ars is the medicine for the patients with pleural or pericardial effusion. So depending upon the clinical situation, you need to differentiate ki patient ko aap kis category mein rakh rahe ho, one thing. Second thing is when the patient is into a very critical situation of the dengue hemorrhagic fever or into the dengue shock syndrome, to us time pe aapko patient ko as per the situation un medicine se manage karna padega. That was a wonderful explanation of the homeopathic medications. So, Dr. Tindra, would you like to share any experience in managing the dengue hemorrhagic or shock syndrome cases? Yes, dengue hemorrhagic and shock syndrome, because generally we know that if patient is in dengue shock syndrome, so patient is already hospitalized. So, jo patient hospital ke andar admit hai, to uspe do cheeze important hai, that whether the concerned doctor जहाँ पे पेशेंट जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहां पे इफ ही इज गिविंग द कंसेंट टू द फैमिली टू लेट एनी अदर डॉक्टर टू इंटरवीन इन द सिचुएशन, बिकॉज हमारे पास कितने ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डॉक्टर बोल देते हैं दैट इफ यू वांट टू टेक हेल्प ऑफ सम अदर डॉक्टर यू आर मोस्ट वेलकम. इन दोज केसेज जनरली वी इंटरवीन बिकॉज वी कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी केस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अटेंडिंग डॉक्टर. तो समटाइम्स वी नीड टू गो टू द आईसीयू ऑल्सो with the consent of the family, with the consent of the doctor who is attending the patient. Un cases mein humne dekha that there are number of cases. If I share one or two cases, that there was a case, I think that was 5 or 6 years back. Patient was admitted in a very leading hospital in Ludhiana. So, us patient ko kya hua that he was being admitted for dengue fever in the initial, but ultimately that patient landed into the shock syndrome. Aur us patient mein, that was around 16 or 17 year old kid. Us patient ke andar, we have seen, I have attended that patient. Lab test लेने के लिए कुछ prick किया गया था, तो everywhere the patient was bleeding. नाक से bleeding हो रहा था patient को, urination में bleeding हो रहा था patient को, stool में bleeding हो रहा था, and patient was finally intubated. Ventilator support पे रखा गया उस patient को. At the end of the day, the concerned doctor who was this head of department of the hospital, he told the family that now I cannot do anything, now everything is up to the nature. They called me and I had to take the consent of the doctor. So after a discussion with the attending doctor, we started the treatment. So jaise hi humne uska treatment start kiya, so I still remember the platelet count was 12,000. And that patient was continuously having the spontaneous bleeding. There was pleural effusion, there was ascites in that patient. That patient was landing into the multi-organ failure. Plus, he was on the ventilator support. So, us patient ko humne treatment shuru kiya. Every 4 hours, he was having one CBC to evaluate ki jo hum usko blood transfusion ke jo platelet transfusion kiya ja raha hai STP platelet. So, us patient mein kya ho raha tha? Agar after every 2 or 3 STPs, agar us patient ka test kiya jata, so platelet count was still the same.
मीन्स देर वॉज वेरी सीवियर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, तो जितने डाले जा रहे थे उतने डैमेज हो रहे थे. तो देन वी स्टार्टेड वेरी गुड मेडिसिन. आई स्टिल रिमेंबर दैट दैट पेशेंट वॉज बींग गिवन अ फॉस्फोरस, अ वंडरफुल मेडिसिन दैट हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द बोन मैरो. वी ऑल नो बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के बाद वी स्टार्टेड दैट पेशेंट ऑन द क्रोटेलस ओरिटस 6C. एज द पेशेंट वॉज इंटूबेटेड तो उसको हम थ्रू द स्किन रूट, वी ऑल नो द डॉक्टर्स हू आर अटेंडिंग, दैट वॉज बींग अप्लाइड ऑन द स्किन. तो एवरी वन आवर दैट मेडिसिन वॉज गिवन एंड विद इन 24 hours द ब्लीडिंग कुड स्टॉप बाय 50%. एंड अगर मैं पूरा केस डिस्कस करूंगा तो आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल टाइम, एंड दैट केस इज अवेलेबल इन ऑल द वेब पोर्टल्स ऑल्सो. तो उस पेशेंट को हमने 6 to 7 days में डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम से बाहर निकाला था विद एक्सक्लूसिव द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड दैट टू इनटू द आईसीयू ऑफ अ हॉस्पिटल. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑन द रीनल फेलियर बिकॉज दैट पेशेंट वॉज ऑलरेडी ऑन द डायलिसिस. एंड ओवरऑल दिस केस टुक अराउंड 1.5 to 2 months. And that patient was discharged, and right now that patient is leading is a very wonderful life. And initially, I think recently he met me 3 or 4 months back, and now he is working as a bank manager. So the patient who was already declared almost on the deathbed, he revived within 6 to 7 days from the hemorrhagic shock syndrome, and after that he completely revived from all the multi-organ failure ailments also. तो उस पेशेंट को हमने मल्टीपल नंबर ऑफ मेडिसिन टाइम टू टाइम दिया गया, बट दैट वॉज अ वेरी वंडरफुल केस इन डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम. अदर देन दैट मेनी केसेज वी सी इन द रूटीन व्हेन द पेशेंट्स डेंगू आफ्टर द डेंगू If you start the treatment of the patient within 24 to 48 hours, we see that the patient starts regaining the platelet count. So this is, I think, very important thing to discuss. Ki ghabrana nahi hai because there are wonderful medicines in homeopathy system which can help the patients of dengue fever in the mild to moderate stage, or into the severe stage also, or even into the dengue hemorrhage. That was really amazing, sir. So next question is, what are the preventive tips for the patients? How they can keep a check on this? Yeah, preventive tips की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी बात है कि डेंगू होता है क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि डेंगू का जो मच्छर है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है. दैट इज फ्रॉम द दिस स्टेगनेंट वाटर. आपके घर में कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, इट कैन बी इन टू द गार्डन ऑल्सो, इट कैन बी इन टू योर किचन ऑल्सो, इट कैन बी इन टू योर वॉशरूम ऑल्सो, या कहीं पे हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई पुरानी चीजें पड़ी है उसके अंदर पानी खड़ा हो जाए, या रेन वाटर प्रॉपर ड्रेनेज तो वहां से मॉस्किटो डेवलप होगा. मॉस्किटो एनी पेशेंट दैट इज बीइंग बिटन बाय दिस मॉस्किटो ही विल बी गेटिंग द डेंगू फीवर. तो उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कहीं पे भी स्टेगनेंट वाटर खड़े नहीं होने देना घर के अंदर, नॉट इन योर हाउस ओनली बट अराउंड योर विसिनिटी ऑल्सो, आपके घर के अंदर, घर के बाहर, या आपकी कॉलोनी के अंदर या पार्क के अंदर. सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड मेंटेन अ वेरी गुड हाइजीन. राइट नाउ जनरली आजकल जैसे डेंगू फीवर है तो हम जनरली एडवाइस करते हैं दैट इफ यू आर हैविंग योर किड्स इन योर होम तो उनको आप फुल पैंट्स या फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहना के रखो, सो दैट देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ द मॉस्किटो बाइट. दिस इज अ वेरी इजी थिंग दैट यू कैन डू. उसके अलावा अगर किसी को किसी तरह का कुछ सिम्टम डेवलप होता है, दे शुड नॉट वेट फॉर 3 to 4 days. कई बार हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन रहती है कि 3-4 दिन वायरल को लगती है ठीक होने के अंदर. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो आम एक लेमैन को लगता है, बट डेंगू फीवर आफ्टर आई टोल्ड यू कि 4 to 5 days फीवर चला जाएगा, बट पेशेंट विल नाउ स्टार्ट हैविंग द शॉक एंड हेमरेजिक सिंड्रोम सिम्टम्स एंड साइंस. तो एवरी पेशेंट हु हैज अ हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स प्लस देर इज अ रेट्रोर्बिटल पेन, आंखों के पीछे पेन हो रहा है, ठंड के साथ बुखार चढ़ रहा है, हाई ग्रेड ज्यादा बुखार हो रहा है 103-104, प्लस उसको नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, स्किन के ऊपर रैशेज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और उसको प्रॉपर आप एक सीबीसी टेस्ट के थ्रू या उसका एक डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट के थ्रू डायग्नोस करो दैट व्हाट इट इज, और इमीडिएटली उसका जो भी ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हो. अदर देन दैट इज द हाइड्रेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑल्सो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो. किसी भी पेशेंट को हम देखते हैं कि शॉक में पेशेंट क्यों जाता है, ड्यू टू द दिस डिहाइड्रेशन. तो उस पेशेंट को अगर आप प्रॉपर हाइड्रेट करते रहते हो, आप पानी पीते रहते हो, आप मैक्सिमम जूसेस पीते रहते हो, फ्रूट्स ज्यादा लेते रहते हो, तो उस पेशेंट के अंदर प्लस ओरल न्यूट्रिशन ले रहे हो,
तो उन पेशेंट्स को रिकवरी में बड़ी हेल्प मिलती है, दे विल नॉट लैंड इन टू दिस सिचुएशन. सो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन एंड प्रॉपर हाइजीनिक, दिस कंडीशन शुड बी मेंटेन जस्ट टू प्रिवेंट द डेंगू फीवर. So, last but not the least, what you advise to homeopathic doctors managing the dengue patients? Yes, because I know many many homeopathic doctors are also listening to today's session. So, mera yehi suggestion hai that first thing is diagnose the patient and then start the treatment. I know that we can give the medicine just on the basis of symptomatology also. This is the beauty of homeopathic system. But don't rely on the thing ki aapne agar patient ko Eupatorium de diya hai ya patient ko Gelsibium de diya hai, to it will definitely help dengue, because Eupatorium is not 100 out of 100% medicine for the dengue fever. We know about the individualization. So, us patient ko you need to monitor very carefully. Uska repeated CBC count every 24 hours, every 48 hours, depending upon the severity of the case. Plus, proper diet and nutrition guidance to be given to the patient. Along with that, any sort of patient who needs hospitalization, aapko lag raha hai that patient is landing into the shock syndrome, you need, and this patient needs hospitalization, so you should immediately refer the patient for the hospitalization. And us hospitalization ke duration mein aap apna treatment recommend kar sakte ho, and patient are very happy to take. We recommend so many times that you need to take these medicines along with the hospitalization, because in allopathic system we know they don't have any particular specific medicine for dengue fever. They simply will maintain the they will give the IV fluid to the patient. Along with that, they will give some symptomatic relief. But to improve the platelet count, to counteract this dengue fever virus, you need to give homeopathic medicine. So, aap usko easily prescribe karke in hospitalization bhi manage kar sakte ho patients ko. Another most important thing that you need to be very specific for these patients, because kai baari hum dekhte hain ki kisi patient ko bhi, the dengue patient, they can have a very severe form of dengue fever within 24 hours. Agar patient aapko subah check karwa ke ja raha hai and everything was fine, but by the evening that patient can go into very critical situation. So very careful monitoring is required. Plus, anytime you need to change the medicines, you need to add the medicines as per the case scenario, because hum kai baari kya dekhte hain that some doctors in homeopathic system, they are very stuck ki ye medicine diya, so I will wait for the response. Don't say that I will wait for the response, because response evaluation needs few hours only. Aur 6 ghante 8 ghante ke baad agar aap response evaluation kar rahe ho and the patient is responding, that will be visible to you into the clinical symptomatology and signs also. So any patient who comes to you for the dengue fever or suspected dengue fever, proper evaluation hona chahiye us patient ka, proper monitoring hona chahiye. Along with that, if the patient is landing into severe shock syndrome or hemorrhagic shock, तो उस पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन रेकमेंड कर देना चाहिए. दिस इज व्हाट आई नीड टू से टू माय होम्योपैथिक कलीग्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी.